दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो और भारत जीते तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप में आज इतने रन से इंग्लैंड को हराकर सीधा सेमीफाइनल में एंट्री लेगा पाकिस्तान। वर्ल्ड कप 2023 में क्या बड़ा बदलाव आ चुका है जिससे पाकिस्तान की टीम अब सीधा सेमीफाइनल में पहुंचने वाली है। पूरा गणित और समीकरण आपको समझाएंगे कि इंग्लैंड को किस तरह से कहां पर किस एंगल से हराकर पाकिस्तान सीधा सेमीफाइनल में भारत से भिड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सेमीफाइनल में अगर भारत पाक का मुकाबला हो भी गया तो उसे कौन जीत कर दिखाएगा, भारत या पाकिस्तान? नीचे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के सारे पत्ते खुल चुके हैं। सबसे पहले सेमीफाइनलिस्ट बनी थी भारतीय क्रिकेट टीम, फिर अफ्रीका ने अपनी थक जमाई और दोस्तों फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी जीत कर अपनी कुर्सी को सिक्योर कर लिया था। लेकिन अब भी चौथी जगह को लेकर ना इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है कि आज तक बता पाना मुश्किल है कि कौन इस कुर्सी पर बैठेगा, क्या वो न्यूजीलैंड होगा या पाकिस्तान। देखिए दोस्तों, वैसे तो न्यूजीलैंड की टीम के अंक और नेट रन रेट बहुत ज्यादा बेहतर है पाकिस्तान से, लेकिन अब भी कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं जिनके तहत पाकिस्तान अंकों में तो न्यूजीलैंड के बराबर हो जाएगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी है जिसके चलते अगर वो इंग्लैंड की टीम को हरा दे तो सेमीफाइनल में उन्हें आने से कोई नहीं रोक सकता। इससे पहले कि दोस्तों मैच की डिटेल्स में जाएं, आपको बता दें कि ये मैच होने वाला है ईडन गार्डन के मैदान पर। अब ये मत समझिएगा कि इस बार के सीजन में यहाँ पर रन नहीं लगे, ये वही मैदान है जहां पर हमारे हिटमैन ने कभी 264 रन लगाए थे। उस वक्त पर भी स्कोर लगभग 400 तक गया था और देखिए 400 के आंकड़े से ही पाकिस्तान के जीतने के कंडीशंस बनते चले जाएंगे और कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली जाएगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों अगर पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले में जीतना है ना तो सबसे पहले तो दुआ करके मैदान में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलती से इंग्लैंड की टीम के कप्तान बटलर ने टॉस जीत लिया और टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुन ली ना तो खेल तो दूर की बात, पाकिस्तान की टीम सोच भी नहीं पाएगी सेमीफाइनल में पहुंचना, क्योंकि कोई कंडीशन दोस्तों बनती ही नहीं अगर इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी कर भी लेगी तो। लेकिन अगर सोचिए पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी कर ले तो वहां से मामला दिलचस्प हो जाएगा। दोस्तों एक आंकड़े के तहत पाकिस्तान को पूरे 287 रन के अंतर से जीतना होगा क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि लगभग 300 के आसपास मान लीजिए। अब या तो पाकिस्तान बल्लेबाजी करते हुए पहले 350 से 400 के बीच में रन बना ले, और यदि मान लीजिए चमत्कार हो भी जाता है 400 रन बन भी जाते हैं तो यानी कि वहां से फिर 287 रन के अंतर से जीतना होगा पाकिस्तान को। अब अगर यही 350 बने तो दोस्तों अंतर और ज्यादा कम हो जाएगा, लगभग 60 से 70 रन के अंदर इंग्लैंड को ऑल आउट करना होगा, और यदि 300 ही रन बन पाए पाकिस्तान से तो लगभग 13 रन के अंदर इंग्लैंड को ऑल आउट करना होगा, जो कि इतना भी आसान नहीं, क्योंकि दोस्तों ये वही टीम है जिसने पिछली बार का 2019 का वर्ल्ड कप जीता था और आधे से ज्यादा तो वही खिलाड़ी हैं, तो 13 रन पर ऑल आउट होने वाली कंडीशन तो कतई नहीं बनेगी। ऊपर से इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी तो पाकिस्तान को सीधा फ्लाइट कराकर अपने घर जाना चाहिए मैच खेले बिना ही। दोस्तों पाकिस्तान के पहुंचने की सारी कंडीशंस हमने आपको बता दी हैं। चलिए मान लीजिए चमत्कार हो भी जाता है, सेमीफाइनल में हमें पाकिस्तान दिख भी जाता है और भारत से सामना होता भी है, तो फिर मैच को कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान? आप किसके साथ हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।